हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। कक्षा है पांचवी, सप्ताह है पांचवा। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाल बटन दबा करके सबसे पहले मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी इसी तरह मेरे सारे वीडियोज़ को देख सकें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। उपविषय है ग्लोब एवं मानचित्र। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्लोब किसे कहते हैं? बच्चों, ग्लोब क्या होता है? तो यहाँ आप उत्तर लिखेंगे। देखिए बच्चों, ग्लोब एक प्रतिरूप, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, ठीक है। इसमें पृथ्वी के हर एक भाग को बराबर नाप कर छोटा दिखाया गया है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। इसमें पृथ्वी के हर एक भाग को बराबर नापकर छोटा दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। आया सभी को समझ में? अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले बने ग्लोब में कौन से दो महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे? तो बच्चों, जो सबसे पहले ग्लोब बना था उसमें दो हमारे महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, ठीक है बच्चों, ये दो महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। अगला है, कोलंबस किस महासागर को पार करके वेस्ट इंडीज़ पहुंचा था? तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो कोलंबस है वो कौन से महासागर को पार करके वेस्ट इंडीज़ पहुंचा था? तो वो अटलांटिक महासागर को पार करके वेस्ट इंडीज़ पहुंचा था। तो यहाँ लिखेंगे हम कोलंबस अटलांटिक महासागर को पार करके वेस्ट इंडीज पहुंचा था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोब तथा मानचित्र में कोई एक अंतर बताइए। तो बच्चों देखिए, ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर होता है? तो देखिए बच्चों, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है जिसमें हम संपूर्ण पृथ्वी को देख सकते हैं, और मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का चित्र होता है। तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है जिसमें हम संपूर्ण पृथ्वी को देख सकते हैं, ठीक है। मानचित्र सपाट पृष्ठ
पर संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का चित्र होता है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। ग्लोब शब्द खाली स्थान भाषा के ग्लोबस से लिया गया है, इसका अर्थ खाली स्थान है। तो बच्चों देखिए, जो ग्लोब शब्द है लैटिन भाषा के ग्लोबस से लिया गया है, इसका अर्थ है गोल। वेस्ट इंडीज़ की खोज खाली स्थान ने की थी, कोलंबस ने की थी, सभी को पता होगा। पुर्तगाली फर्डिनेंड मगेलिन के जहाज ने पृथ्वी का एक चक्कर कितने साल में पूरा करा था? तो बच्चों ये इसने किया था 3 साल में पूरा। सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग के चित्र को हम क्या कहते हैं? मानचित्र। ये मैंने आप सभी को ऊपर भी बताया था कि सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पूरी पृथ्वी जो है उसका किसी भाग के चित्र को हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? क्या करके दिखाया जाता है? कम करके। नीचे प्रश्न नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए ग्लोब के चित्र को देखकर अपनी कॉपी में ग्लोब का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो बच्चों देखिए, ये चित्र ग्लोब का है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो बच्चों ये चित्र सभी आप अपनी कॉपी में बनाएं और इसमें सुंदर सा रंग भरें। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, अपने घर से विद्यालय तक के रास्ते का मानचित्र बनाएं। तो देखिए बच्चों, आप सभी को अपने घर से विद्यालय तक का मानचित्र बनाना है। जैसे ये आपका घर है, ठीक है बच्चों, ये आपका घर मान लीजिए, यहाँ से बच्चों आपका स्कूल जो है, आपका विद्यालय जो है वो यहाँ है, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों आपके घर से विद्यालय जाने के लिए आपको मानचित्र कैसे बनाना है? जैसे आप अपने घर से निकले, ठीक है, आप इस रास्ते गए, यहाँ आपको क्या मिला? खाली मैदान मिला, खेलने का मैदान, सॉरी। ठीक है, यहाँ आप झूले वगैरह बना देंगे। इसका गेट इधर से है, इधर से आप देखेंगे, इधर से ये रास्ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? मार्केट आ गया, बाज़ार आ गया। ठीक है, यहाँ बाज़ार है, यहाँ इधर इधर रास्ता आ गया, तो यहाँ आ गई दुकानें। ठीक है, यहाँ पे शॉप्स आ गई बहुत सारी। ठीक है, आया सभी को समझ में? यहाँ शॉप आ गई। ठीक है बच्चों, ये मार्केट आ गया, ये पार्क हो गया हमारा, इस तरह से। ठीक है, और ये हमारा मानचित्र तैयार हो गया, ये हम हमारे स्कूल पहुंच गए। तो इस तरह से बच्चों आप सभी एक मानचित्र बनाइए। जीवन कौशल आपदा प्रबंधन। प्यारे बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसके आने से भारी भरी जान माल का नुकसान होता है। इसके आने पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेड, टेबल, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं और उसके निचले हिस्से को कसकर पकड़ लें ताकि झटकों से वह खिसके नहीं। तो देखिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, कभी भी अगर भूकंप आता है तो आपको कभी डरना नहीं चाहिए। किसी मजबूत फर्नीचर जैसे बेड, टेबल, डेस्क के नीचे घुस जाएं और उसके निचले हिस्से को कसकर पकड़ लें ताकि झटके जो लगेंगे भूकंप के, उससे वह खिसकेगा नहीं। अगर आपको कोई मजबूत चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो किसी मजबूत दीवार से सटकर सिर को किसी मजबूत चीज़ या मोटी किताब से ढककर घुटने के बल टेक लगाकर बैठ जाएं।
भूकंप के झटके महसूस होने पर पंखे, खिड़की, अलमारी और बाहरी सामानों से दूर रहें। इनके गिरने और कांच के टूटने से चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो देखिए बच्चों, कभी भी अगर भूकंप आता है तो आप पंखे, खिड़की, अलमारी ऐसे सामानों से दूर रहें, कांच के सामानों से भी दूर रहें। घर के बाहर निकलकर कभी भी बिजली, टेलीफोन के खंभे या पेड़ पौधों के नीचे खड़े ना हों। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? अगला देखिए, अगर आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाएं तो किसी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढकें। मलबे के नीचे खुद की मौजूदगी को जताने के लिए पाइप या दीवार को बजाते रहें ताकि बचाव दल आपको तलाश कर सके। अगर आपके पास कुछ उपाय ना हो तो चिल्लाते रहे और हिम्मत ना हारें। उपयुक्त बातों को याद करके अपने माता पिता को सुनाइए। तो बच्चों देखिए, आप सभी को कभी भी भूकंप आता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और आप सभी अपने माता पिता को ज़रूर बताइए। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कड़ी मेहनत झुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती है। खाना पीना, लाल रंग की सब्जी व फल जैसे सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि को खाने में शामिल करें। गतिविधि, दिल्ली के स्मारक स्थलों के चित्र इकट्ठे करें। तो बच्चों देखिए, दिल्ली के स्मारक जैसे हमारे लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हुआ, इंडिया गेट हुए, तो ऐसे स्मारकों के आपको चित्र इकट्ठे करने हैं। खेल, हम सब में से लंबा कौन कूदा, ये खेल आप सभी को खेलना है। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी की वर्कशीट यहाँ समाप्त होती है। आप सभी बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।